लगा हुआ है। ये पूजा पैंडल है, कृष्ण भगवान की पूजा हुआ है, दो दिन से हो रहा था। ये बहुत नसीब होता है कि ये पूजा देखने के लिए, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं। वीडियो है, पूजा ऐसे दिखा दे, लेकिन पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अभी बना दे रहा हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है पूजा एक्चुअली। तो कैसे कैसे हुआ है तो ये देखा देता हूँ थोड़ा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। से ये लाइटिंग गेट है, पहले तो दूसरा गेट था, पहले दिन दो दिन से पूजा हो रहा था, पहले दिन दूसरा गेट था कापड़ा का था, और अभी दूसरे दिन लाइटिंग का लगाया है। ये पूजा पंडल है, ये वो मंदिर है। ये मंदिर में तो एक्चुअली ये महाकाली का मंदिर है, और कृष्ण भगवान की मंदिर अलग है, वो अंदर से दिखा देता हूँ मैं। और ये जो है इसमें लाइटिंग वगैरह भी था लगाया हुआ था, पूरा टूटा हुआ है, कपड़े भी सूखने दे दिया यार। काफ़ी लोग के पंडल में ये मौका मिल गया सूखने देने के लिए। ये डीजे है, ये सब डीजे था, साउंड ये सब था, काले काले से पैकिंग किया हुआ है। ये जनरेटर, ये देखो ये क्या कैसे क्या, ये कागज वगैरह पड़ा है। मतलब बहुत सारे लोग, कम से कम 5-7 हज़ार तो लोग हो ही जाएगा, इतने सारे लोग थे। ये पूजा पंडल था, और यहाँ देखो ये लाइटिंग वगैरह था, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या करें कि वह तो गांव में पूजा है तो बहुत सारे काम करना पड़ता है, तो उसमें बिजी था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया, टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए नहीं बना पाया। ये देखो ये पूजा मंडप है। एक्चुअली ये जो है इसके चारों तरफ ऐसे घूमता है, और हरे कृष्ण का नाम होता है, ये हरे कृष्ण लिखा है, तो उल्टा दिख रहा है क्योंकि सामने वाले कैमरा है इसलिए। और बाजू में नदी भी है, मतलब ऐसे मंदिर से लगा हुआ बिल्कुल सटा हुआ एक नदी भी है, उसको भी दिखा देता हूँ। कृष्ण भगवान की मूर्ति है, पर्दा लगा हुआ है, ये तुलसी वेदी है, तुलसी का झाड़ है, ये तुलसी वेदी। यहाँ पूजा ऐसे हर रोज़ तो यह पूजा किया जाता है, लेकिन ख़ास तरीके से अभी पूजा है ना कृष्ण भगवान की, तो उसमें बहुत अच्छे से पूजा किया था। अभी इसको मैं दिखा देता हूँ, अंदर ये देखो, ये है कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहाँ पूजा अंधेरा, मतलब लाइट नहीं है, लाइट नहीं चल रहा है, दिन में थोड़ा लाइट की कमी हो रहा है दिन में भी, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है इसलिए। देखो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक नदी दिखेगा आपको, वो देखो पानी, देखो ये गांव है, और वो देखो पानी है, ये है नदी यहाँ की, नज़ारा बिल्कुल नदी है। और शायद इसमें एक ख़ास बात ये बता देता हूँ कि फ्रेंड की ये जो नदी है ना, बहुत ही कम है जो उत्तर साइड में नदी जो पानी बहता है, उत्तर साइड में बहुत ही कम बहता है, लेकिन ये जो है ये उत्तर साइड में बहता है। ये जो दिख रहा है ना आपको पानी, ये जो पानी जा रहा है उधर उधर जा रहा है, उसकी बहाव उधर है उत्तर साइड में। ये है, ये देखो ये शिवलिंग है, शिवलिंग इस तरह से बनाया गया है क्योंकि ये बहुत पहले से, बहुत मतलब मैं छोटा था तभी। ये जो मूर्ति, ये जो है पत्थर है, देखिए ये का बिल्कुल पत्थर, ये मैंने सुना है यहाँ कि बहुत पहले ये ज़मीन में अपना आप आए उठे थे और उसी से पूजा हो रहा था। ये जो डिजाइन किया है पत्थर में, तो ये शुरू से ही है, किसी ने बनाया नहीं है ऐसे ही। और ये देखो पीछे जो चूल्हा दिख रहा है, ये चूल्हा, चूल्हा इसमें जब प्रसाद होता ना, इसमें खिचड़ी बनाया था। और ये वाली जो जगह है, ये इसमें खिला रहे थे, कम से कम 5-7 हज़ार लोग तो खाया ही होगा। ये ख़त्म हुआ है पूजा, मतलब परसों हुआ है ख़त्म हुआ है पूजा। और ये चीज़ ये दिखा देता हूँ कि ये महाकाली का मंदिर है, और इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये माँ चंडी है, महाकाली का मंदिर है, ये महाकाली का मंदिर है। और ये सब ख़त्म हो गया था, खुलने का काम चालू है, पैंडल वगैरह खुल रहे हैं, माइक डीजे भी। और मैं जो बताने वाला था बता ही दिया कि वो क्या क्या है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जब वीडियो बनाना है, ये करना है, बहुत बड़ी करना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं खास अपने के लिए बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि जैसे ये 2022 है, अब इस साल कैसा हुआ कि ये अपलोड करके रख देता हूँ, फिर 5 साल बाद 2 साल बाद फिर देखेंगे इसी को कि यार ऐसे हुआ था, यही बस। और ये देखे, ये लिया मैंने महाकाल के, बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया ये लॉकेट।